देखने में बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। नारद ने जैसे उस लड़की को देखा, विचार करने लगे, सोचने लगे, इस लड़की का विवाह जिसके साथ में होगा वो अमर हो जाएगा, कभी मारा नहीं जाएगा। देवऋषि नारद उस लड़की के भविष्य के बारे में बताना तो भूल गए और अपने भविष्य में खो गए, सोचने लगे। इतने दिन हो गए, कभी मन में विचार नहीं आया कि मैं अपना विवाह करूंगा, लेकिन पता नहीं भगवान जाने इस लड़की को देख करके मेरे दिल में ऐसा विचार आ रहा है कि अब कुंवारी नहीं रहूंगी, सदिया करे शादी करेंगे। अरे बहुत दिन हो गया, महात्मा बन करके जी लिया, भगवान का भजन कर लिया, पीले वस्त्र पहन लिए, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। और का बहुत दिन हो गए, पीड़ा आया आया, तब तो कुल्ले दिन हो गए, शादी कर ले। पता नहीं भगवान जाने, लिखा है विद्वानों ने क्या स्त्री के अंदर ऐसी क्या गूढ़ चीज छुपी हुई है। अरे हमारी तुम्हारी तो बात छोड़ो, देवता भी इन स्त्री के आगे झुक गए। देवताओं की बात छोड़ो, जाने कितने संत महात्मा झुक गए। पता नहीं क्या ऐसी चीज छिपी है। देवऋषि नारद खड़े खड़े सोच रहे हैं, उस लड़की की तरफ देख रहे हैं, क्या हुआ
महाराज।